नमस्कार दोस्तों, मोर टेस्टी फूड पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ तोरी बनाने का बिल्कुल नया तरीका शेयर करूंगी। इस तरह से दोस्तों, आपने तोरी की सब्जी बनाई तो ये इतनी टेस्टी लगती है, घर में जिन्हें तोरी पसंद भी नहीं है वो भी आपसे बार बार यही सब्जी बनाने की डिमांड करेंगे। एक बार से ये तोरी की सब्जी की रेसिपी देखने के बाद जरूर ट्राई करना। बनाना शुरू करते हैं बिल्कुल नए तरीके से तोरी की सब्जी। सबसे पहले यहाँ ये मैंने 250 ग्राम तोरी ली हैं, फ्रेश तोरी हैं जिन्हें धुलने के बाद कपड़े से पोंछ लिया है। अब सभी तोरी के ऊपर थोड़ा थोड़ा सरसों का ऑयल लगा देंगे। इसे हाथ से या ब्रश से जैसे आप चाहें लगा सकती हैं। इसका फायदा ये रहेगा, जब इन्हें हम गैस के ऊपर भूनेंगे तो ये अंदर तक पक जाएंगी और जलेंगी भी नहीं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने गैस ऑन कर ली है, फ्लेम मीडियम रखेंगे। पहले दो तोरी हम भुनने के लिए बर्नर पर रख देंगे। इन्हें चिमटे की हेल्प से घुमा घुमा कर भूनेंगे, जिससे ये अंदर तक हमारी तोरी गल जाएंगी भूनने से ही, और इनमें एक स्मोकी फ्लेवर आएगा। तो आप देखना इनकी जब हम सब्जी बनाएंगे तो कितनी टेस्टी सब्जी वो खाने में लगेगी। आपके पास जाली वाला तवा है तो उस पर रख के भूनेंगी तो चार तोरी एक साथ भुन जाएंगी। मेरे पास वो नहीं है तो मैं डायरेक्ट ही दो दो तोरी बर्नर पर रख के भून लूंगी। दो तोरी को भूनने में बस दो ही मिनट लगते हैं। देखिए, अच्छे से तोरी भून चुकी हैं। इसी तरह से मैं जो बाकी की दो तोरी बची हुई हैं उन्हें भी भूनकर प्लेट में रख लूंगी। देखिए कितने अच्छे से तोरी भून गई हैं और बिल्कुल सॉफ्ट अंदर तक हो गई हैं। चारों तोरी भूनकर प्लेट में रख ली हैं। अब ये रूम टेम्परेचर पर आ चुकी हैं। अब इन्हें हम चाकू की हेल्प से थोड़ा थोड़ा ऊपर से छील लेंगे। जितना आसानी से छिलका निकल जाए बस उतना ही छीलें। थोड़ा बहुत छिलका रह भी जाता है तो वो खाने में बेकार नहीं लगेगा, क्योंकि तोरी पे ज़्यादा छिलका नहीं होता है। फ्रेंड्स, बच्चे तो तोरी को देखकर यही बोलते हैं कि तोरी तो बीमार लोग खाते हैं। आप उन्हें इस तरह से बनाकर खिलाएंगी तो बहुत ही टेस्टी सब्जी लगेगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा आपने उन्हें तोरी की सब्जी खिलाई है। एक तोरी छील ली है, बाकी की सारी तोरी भी इसी तरह छील कर दूसरे बोल में रख लेंगे। तोरी छीलने के बाद मिक्सी का जार लेंगे और उसमें सारी तोरी के बड़े बड़े टुकड़े काट कर डाल लेंगे। इसे हमें थोड़ा दरदरा पीसना है। इस बात का ध्यान रखना है कि मिक्सी हमें बहुत थोड़ी सी देर के लिए ही चलानी है, क्योंकि ये दरदरी पिसी हुई ज़्यादा टेस्टी लगेगी। इसका पेस्ट नहीं बनाना है। सब्जी बनाने के लिए मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई में दो बड़े चम्मच ऑयल गर्म कर लिया है। इसमें मैं चौथाई चम्मच अजवाइन है इसे डालूंगी और दो पिंच हींग डाल दूंगी। साथ ही दो साबुत लाल मिर्च लिए हैं, इन्हें भी डालेंगे, भुनने देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। एक बड़े साइज का प्याज बारीक काट कर लिया है, इसे डाल देंगे। साथ ही आधा इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके लिया है, इसे भी डालेंगे। अब हम प्याज और अदरक को जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक भूनते रहेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सब्जी में जीरा नहीं डाला है, अजवाइन डाली है। अजवाइन डालने से इस सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। प्याज का भुनने के बाद कितना बढ़िया कलर आया है। अब मसाले ऐड करेंगे। चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, चौथाई चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर और चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्च यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी कम ज़्यादा भी आप डाल सकती हैं। और आधा चम्मच धनिया पाउडर डालकर थोड़ी सी देर मसाले को भून लेंगे। अब यहाँ मैंने एक बड़ा टमाटर बारीक काट कर लिया है, इसे डाल देंगे। अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। यहाँ मैंने चौथाई चम्मच नमक डाल दिया है। मसाले को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भूनते रहेंगे जब तक इससे ऑयल बाहर ना निकल जाए, तभी हमारी सब्जी में बढ़िया सा टेस्ट आएगा। मसाला बढ़िया से भुन चुका है। अब जो हमने तोरी मिक्सी के जार में दरदरी सी पीस के रखी है ना, इस स्टेज पर उन्हें कढ़ाई में डाल देंगे। तो यहाँ मैं डायरेक्ट जार से ही पिसी हुई तोरी कढ़ाई में डाल रही हूँ। अब दो मिनट तक हमें तोरी को लगातार चलाते हुए मसाले के साथ भूनना है।
तोरी मसाले के साथ अच्छे से भुन चुकी है। अब इसे ढककर एक मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे तोरी में मसाला अंदर तक बैठ जाए और सब्जी खाने में टेस्टी लगे। एक से डेढ़ मिनट बाद ही ढक्कन हटाकर देख रहे हैं तो सब्जी से ऑयल रिलीज हो रहा है, ये बढ़िया से पक गई है। अब इसमें ऊपर से हरी धनिया पत्ती डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए तोरी की बिल्कुल अलग टेस्ट में लाजवाब सब्जी बन चुकी है, जिसे आप गर्मा गर्म घी लगी चपाती के साथ खाएंगे तो खाने का मज़ा दोगुना ही हो जाएगा। एक बार तो तोरी की सब्जी ज़रूर ही अपने घर पर ट्राई करें। फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें। मोर टेस्टी फूड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉच।